से काफी दिन पहले एक बच्चा गायब हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साना पुलिस गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई थी। वहीं सीओ मनीष कुमार यादव के नेतृत्व में ट्रैकिंग अभियान चलाया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर अपहरण करने वाला युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकला हुआ था। सियाना पुलिस ने बुलंदशहर हाईवे पर आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस भी इस प्रकरण में गंभीरता से लगी और उस अपहरणकर्ता से संपर्क का प्रयास किया। फोन पे वो अवेलेबल था, फोन पर ही वो धमकी दे रहा था कि बच्चे को मार दूंगा। उसका कारण ये था कि जो अभियुक्त था उसकी शादी इस बच्चे के घर हुई थी और उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई थी, तो अपनी पत्नी को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से घर वालों पर दबाव बनाने के लिए उसने अपने साले के बेटे का अपहरण किया था और उसकी लोकेशन लेते हुए पुलिस ने लास्ट में उसको गिरफ्तार किया और बच्चे को सकुशल बरामद किया।